नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कल मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। शाम 7:15 बजे शपथ लेंगे पीएम मोदी। एमपी से मंत्री की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान है, तो वही सिंधिया मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, वीडी शर्मा, वीरेंद्र खटीक, कुलस्ते का नाम भी चल रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कई और नाम भी सामने आ रहे हैं, पर सबसे ऊपर जो नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है, और उसके बाद सिंधिया का नाम भी आगे चल रहा है, वीडी शर्मा है। साथ ही साथ और भी कई नाम है जिनका जिक्र लगातार हो रहा है, वीरेंद्र खटीक है, कुलस्ते हैं, इन सभी के नामों पर भी चर्चा लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी किसके नाम पर मुहर लगती है। फिलहाल अभी बैठकों का दौर जारी है, लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगानी है। तो शिवराज के अलावा और चेहरों को भी मौका यहां पर मिल सकता है। तो एमपी से शिवराज सिंह चौहान मंत्री की रेस में सबसे आगे, साथ ही साथ सिंधिया भी मंत्री की रेस में चल रहे हैं और वीडी शर्मा का नाम भी चल रहा है। तो वहीं वीरेंद्र खट्टी के नाम पर भी मंथन हो रहा है, कुलस्ते के नाम पर भी मंथन हो रहा है। कल मुख्यमंत्री की मुलाकात भी कुलस्ते से हुई है, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हालांकि अभी सिर्फ चर्चाएं चल रही हैं, मुहर लगेगी तो पता चलेगा किस किस के नाम पर मुहर लगी है। मंथनों का दौर लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मोदी कैबिनेट में आखिर कौन कौन शामिल होगा, इस पर चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है, और सबसे आगे जो नाम चल रहा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है, साथ ही साथ सिंधिया भी इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं, वीडी शर्मा का नाम भी लगातार चर्चाओं में रहा, अब वीरेंद्र खटीक का भी नाम आ रहा है, कुलस्ते का भी नाम आ रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि किसी महिला को मौका मिल सकता है। क्या लगता है, क्या चर्चाएं चल रही होंगी और कौन सा नाम है जो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है और इस पर मुहर लगी जाएगी? बिल्कुल, देखिए जो एनडीए की जीत है, खासतौर पर अगर हम बीजेपी के नज़रिए से देखें, तो सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश से ही बीजेपी को हुआ है। यहाँ पर 29 में से 29 सीट जनता ने बीजेपी को दी हैं, और इसके चलते ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें भी मध्य प्रदेश का जो दबदबा है वो देखने को मिल सकता है। करीब 3 से 4 मंत्री मध्य प्रदेश में हो सकते हैं, और संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जिनकी अगर जीत का मार्जिन देखें तो देश में सबसे बड़ी जीत ये जीत जो है विदिशा की शिवराज सिंह चौहान की जो काउंट है वो हो रही है। इसके साथ ही दूसरा नाम जो आ रहा है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आ रहा है, उन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की है गुना अशोकनगर संसदीय क्षेत्र से। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के टिकट पर वो लड़े थे, हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2024 में उन्होंने वापसी की, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और एक बड़े अंतर से वहां पर जो जीत है वो दर्ज की है। वीडी शर्मा, जिनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो सुधरा है, तो क्या उसका इनाम वीडी शर्मा को बतौर केंद्रीय मंत्री पद मिलने का मिलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव, दोनों ही चुनावों में बड़ी जीत जो है वो बीजेपी को वीडी शर्मा के नेतृत्व में मिली है। फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि आदिवासी लगातार सियासत के केंद्र में रहे हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश का। ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से बीजेपी बहुमत के आंकड़े को हासिल नहीं कर पाई, बहुमत का आंकड़ा नहीं पहुंच पाया बीजेपी तक, और भी सहयोगी दल हैं उन्हें भी साधने के लिए तमाम कोशिशें, उनकी भी डिमांड्स हैं, तो यह हो सकता है कि कुलस्ते और खटीक का नाम काट दिया जाए, इनका पत्ता साफ हो जाए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं संभावनाएं बनी हुई हैं, कुछ भी कह पाना अभी बेहद मुश्किल है, लेकिन जो पहले 3 नामों का हमने जिक्र किया ये सबसे प्रबल दावेदार हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा। इसके बाद फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक जैसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये लोग कई बार से लगातार सांसद भी हैं और वीरेंद्र खटीक और फग्गन सिंह कुलस्ते दोनों मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं, यानी कि इन्हें बीजेपी एक बार मौका दे चुकी है। अब इन्हें दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता ये सवाल कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पास इंडिविजुअली बहुमत नहीं है, ये बात भी सही है, और ऐसे में जो अन्य सहयोगी दल है, चाहे जेडीयू की हम बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू की हम पार्टी की बात करें, तो उनको
किस तरीके से बीजेपी एंटरटेन करने का काम करती है वो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जातीय सामाजिक फैक्टर भी जो है उनको भी पूरा करने की दिशा में काम करती हुई नजर आएगी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की दिशा में नजर आएगी, क्योंकि जो नुकसान इन चुनावों में हुआ है उसकी अगले चुनावों में भरपाई हो सके। तो बीजेपी का जो मंत्रिमंडल है वो बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा, बहुत बैलेंस तरीके से बनाने की कोशिश की जाएगी, बैलेंस भी किया जाएगा, मान मनोबल की स्थिति भी चल रही होगी, क्योंकि ये दोनों जो सांसद हैं सबसे ज्यादा सीनियर है, चाहे हम कुलस्ते की बात करें खटीक की बात करें, इतना आसान नहीं होगा। पर चूंकि पहले भी मौका मिल चुका है तो इस बार कोई ना कोई रणनीति तैयार करके इन्हें मनाने का पूरा प्रयास होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए वासु। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे भोपाल की नीट एग्जाम रिजल्ट की, जिसमें रिजल्ट में गड़बड़ी का यह मामला है। एनएसयूआई सड़कों पर उतर चुकी है और जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी इनके द्वारा उठाई गई है, दोबारा परीक्षा कराने की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। तो एनएसयूआई सड़कों पर उतर चुकी है, तस्वीरें आप देखिए, सीबीआई जांच की मांग अब उठने लगी है। जब से नीट का रिजल्ट आया तब से आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं और सवाल उठने लगे। जिस तरह के रिजल्ट्स आए, देखिए जिस प्रकार से आप सभी ने देखा कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है नकली मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री मध्य प्रदेश को भोपाल को माना जाता था, आज इसी प्रकार का घोटाला जो है नेशनल एग्जाम सेंटर दिल्ली पहुंच गया है, जहां पर एनटीए जो एक एग्जाम कराने वाली प्राइवेट संस्था है उसके द्वारा नीट का एग्जाम कराया गया। उसमें आप देखेंगे कि जैसे ही एग्जाम हुआ उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पे जो उसका पर्चा पेपर लीक हो गया और वो सोशल मीडिया पे पूरे पे आ गया था, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं जागी, सरकार चुनाव में लगी हुई थी कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाए। उसके बाद जब परिणाम स्वरूप परिणाम आते हैं तो एक ऐसे दिन परिणाम निकाला जाता है जिस दिन हमारे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है इस धांधली को दबाने के लिए, लेकिन ये धांधली नहीं दबी, क्योंकि जब छात्रों को पता चला कि 720 में से 719 718 सैकड़ों छात्रों के नंबर आए हैं जो कि किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो जो पढ़ने वाले छात्र थे उन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाने शुरू करे, तब ये मामला उठा और आज ये इतना बड़ा मामला है कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया, जिसमें नकली जो है डॉक्टर मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, करोड़ों रुपए लेके एनटीए जो है लेकर और नकली डॉक्टर बनाने का काम कर रही। हमारी मांग है कि एनटीए की और नीट के एग्जाम की जो है सीबीआई जांच कराई जाए और जो दोषी उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, और जरूरत पड़े जो पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको मौका देने के लिए, फिर से उनके भविष्य को बनाने के लिए रीनीट का एग्जाम फिर से कराया जाए। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। जबलपुर के रहने वाली छात्रा अभिषी वर्मा की ओर से एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है और इसके बाद दायर याचिका में नीट परीक्षा 2024 में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्र अभिषी वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उसने भी नीट 2024 की यूजी परीक्षा दी थी और उसे 720 में से 615 अंक हासिल हुए हैं, जबकि उसे 700 से भी ज्यादा नंबर मिलने की उम्मीद थी। याचिका में हवाला दिया गया है कि एक कोचिंग सेंटर के 8 छात्रों के नाम और रोल नंबर एक समान दिए गए हैं। इसमें तीन को पार्टी बनाया है मैंने, नेशनल मेडिकल कमीशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और इस पिटीशन में मैंने इन सभी के खिलाफ अपनी याचिका में प्रेयर की है कि या तो रीटेस्ट किया जाए या रीटेस्ट या इसकी हाई लेवल इंक्वायरी कराई जाए कि हाई लेवल इंक्वायरी करके पूरे रिकॉर्ड्स कॉल किए जाएँ और जहाँ तक एडमिशन्स हैं वो एडमिशन पर स्टे किया जाए कि किसी भी बच्चे को एडमिशन ना दिया जाए। बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर्चा लीक मामले में जांच कर रही इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा हुआ है कि अक्षय बम के कॉलेज से ही एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लीक हुआ था। पुलिस ने बताया कि 2000 रुपए से लेकर 500 रुपए में पेपर लीक की डील हुई थी। इस खुलासे के बाद कॉलेज की मान्यता डीएवीवी समाप्त कर सकता है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल और अक्षय कांती बम से पुलिस पूछताछ भी करेगी। फिलहाल पर्चा लीक मामले में कॉलेज और विश्वविद्यालय के कई जिम्मेदारों पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ के बाद और कई गिरफ्तारियां हो सकती है। कांग्रेस ने अक्षय कांती बम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में सख्ती से पूछताछ करने की मांग भी की है।
चेक कर रही है। अभी तक इन्हीं तीन लोगों के मोबाइल हमारे कब्जे में आए हुए हैं। कुछ और सोर्सेज हैं, चूँकि आज यूनिवर्सिटी बंद है, इंस्टीट्यूट सारे बंद हैं, तो वो सोर्सेज भी अभी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारी टीम पीछे लगी हुई है और फॉलो कर रही है। वो पेपर लीक हुए हैं, उसकी कीमत क्या थी पेपर की? और एक अलग अलग किरदार जो हैं वो उसकी कीमत बता रहे हैं। उसका जो मूल व्यक्ति है वो लगभग 4-5 हज़ार की कीमत बता रहा है। भोपाल उच्च शिक्षा विभाग का फरमान आया है, मंत्री जी से सीधे ना मिले प्रोफेसर और स्टाफ, इंदर सिंह परमार से सीधे ना मिले प्रोफेसर और स्टाफ, सभी प्राचार्यों को भेजा गया है सर्कुलर, मुलाकात के लिए विभागाध्यक्ष की अनुमति जरूरी है, बगैर अनुमति मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो सर्कुलर जारी हुआ है सभी प्राचार्यों को और कई सारी बातें इसमें कही गई है। उच्च शिक्षा विभाग का ये फरमान सामने आया है, मंत्री जी से सीधे ना मिले प्रोफेसर और स्टाफ से मिले, इंदर सिंह परमार से सीधे ना मिले प्रोफेसर, ये बातें इसमें कही गई हैं।